थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर 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 वेलकम। अरे सर ये बेटी है, इधर आ बेटा। अरे यहाँ पर ग्रीन इन्फॉर्मेशन बच्ची सब कुछ खरीद वगैरह क्या क्या बना रही है सर, वो चाहती हैं कि आप बोले जयरंगम के लिए वहाँ पर छोटी बच्ची के आप जयरंगम आज जयपुर में आप आए और आज आप उससे सालों बाद मिला, बचपन लगा कि बहुत बड़ा हो गया है और वहाँ से एक नई शुरुआत मिली है जो आज सड़क उसमें वो अहम उसका स्वाद हमारे साथ साथ रहेगा। थिएटर के पक्ष से पूरे थिएटर के पक्ष से जुड़े हुए हैं और जयपुर एक महक है कि जयपुर में जिस किस्म का हमारी बात थिएटर के हर स्पीड में आपने Three and Todd Band's Theatre Family presents Jayarangam Fringes, Mumbai 2019. Our co-partners, Ministry of Culture, Government of India, in association with Mukti Cultural Hub. Today, I welcome you all to the opening of Jayarangam Fringes, Mumbai. I would like to invite ये 2001 की बात है जब तीन दोस्त जयपुर में मिले और उन्होंने सोचा कि नाटक करना चाहिए। ये तीन दोस्त थे दीपक गेरा जी, अक्षत पांडे जी और संजीव सचदेव और इन्होंने पिछले 18 साल में जयपुर में थिएटर का सिनेरियो ही बदल दिया। 2001 में 3M ब्रॉडबैंड्स ने शुरुआत की नाटकों की और अब तक करीब 400 नाटक कर चुके हैं हम और उसमें करीब 1000 के आसपास आर्टिस्ट और हर साल 50,000 दर्शक हमारे जयरंगम का हिस्सा होते हैं। और पिछले 8 साल पहले जयरंगम की परिकल्पना दीपक गेरा जी ने की और ये साल नवंबर में जयरंगम का 8वां साल था और अब जयरंगम मुंबई, बेंगलुरु और कैलकाटा में भी तीन तीन दिन का उत्सव करने जा रहा है।
इसके अलावा जयरंगम ने जयरंगम थिएटर लैब की स्थापना की है, जो एक प्लेटफॉर्म है सीखने और सिखाने का, जहां मास्टर्स आते हैं और राजस्थान भर के रंगकर्मी इकट्ठे होकर और अब तो देश भर के रंगकर्मी इकट्ठे होकर सीखने और सिखाने का इंटरैक्शन का काम करते हैं। जयरंगम फ्रिंजेस को मुंबई लाने का उद्देश्य एक ये भी था कि राजस्थान के कलाकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार हो और वो वहाँ से आकर यहाँ परफॉर्म कर पाएं। और इसमें हमारा साथ दिया मुक्ति कल्चरल हब ने, हम बहुत ही तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं कि उनके साथ आने पर हम इस कार्यक्रम को यहाँ कर पाए। ये 2001 की बात है जब तीन दोस्त जयपुर में मिले और उन्होंने सोचा कि नाटक करना चाहिए। ये तीन दोस्त थे दीपक गेरा जी, अक्षत पांडे जी और संजीव सचदेव, और इन्होंने पिछले 18 साल में जयपुर में थिएटर का सिनेरियो ही बदल दिया। 2001 में 3M डॉटबैंड्स ने शुरुआत की नाटकों की और अब तक करीब 400 नाटक कर चुके हैं हम, और उसमें करीब 1000 के आसपास आर्टिस्ट और हर साल 50,000 दर्शक हमारे जयरंगम का हिस्सा होते हैं। और पिछले 8 साल पहले जयरंगम की परिकल्पना दीपक गेरा जी ने की और ये साल नवंबर में जयरंगम का 8वां साल था। और अब जयरंगम मुंबई, बेंगलुरु और कलकत्ता में भी 3-3 दिन का उत्सव करने जा रहा है। इसके अलावा जयरंगम ने जयरंगम थिएटर लैब की स्थापना की है, जो एक प्लेटफॉर्म है सीखने और सिखाने का, जहां मास्टर्स आते हैं। एक ये भी था कि राजस्थान के कलाकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म यहां तैयार हो और वो वहां से आकर यहां परफॉर्म कर पाएं। और इसमें हमारा साथ दिया मुक्ति कल्चरल हब ने, हम बहुत ही तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं कि उनके साथ आने पर हम इस कार्यक्रम को यहाँ कर पाए। देखिए, थिएटर जोड़ने का काम करता है। थिएटर या कला या सिनेमा या संगीत का जो माध्यम है वो इंसान को एक दूसरे से करीब लाने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। और जब हमारे मुल्क के कोने कोने से थिएटर के फेस्टिवल्स जो हैं मुंबई जैसे शहर में होते हैं, तो वाकई ये एक अपने आप में एक सबूत है कि एंटरटेनमेंट कैपिटल जो है हमारा मुंबई भले हो, मगर इसमें ऊर्जा हमारे बाकी शहरों से, मुल्क के बाकी इलाकों से भरी जाती है। ओके सर, पहले हम देखा जाते कि पहले बहुत से थिएटर फेस्टिवल होते थे, जैसे कि पृथ्वी थिएटर हो गए, उसके जो फेस्टिवल होते हैं, पर बहुत कम देखा जाता है। सो डू यू थिंक कि और होने चाहिए आने वाले दिनों में? देखिए, थिएटर अपने आप में एक माध्यम है जिसकी अहमियत वक्त के साथ में लोग समझना चाहते हैं, समझना शुरू भी कर दिया, मगर एंटरटेनमेंट का क्षेत्र इतना स्प्रेड आउट हो गया है, स्पेशली डिजिटल एज के उतरने के बाद में, इंसान ने जब से डिजिटल एज में प्रवेश किया है, एंटरटेनमेंट का जो कंटेंट है घर पे अपने स्मार्टफोन पे अवेलेबल है उसको, तो ऐसे में थिएटर के एक मंच से जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, मगर उसके बावजूद देखिए रौनक आसपास कितनी है यहाँ पर।
ओके, डिजिटल की बात की है तो आप भी बहुत जल्द डेब्यू करने वाले हैं, आपकी जो नई आ रही है वेब सीरीज उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर बता सके कि बहुत ये आज हम सिर्फ थिएटर के बारे में बात करेंगे क्योंकि मंच थिएटर का है। थैंक यू सर। ये है चला रहा है थिएटर सी देखिए, ये मैं जयरंगम का जो जयपुर का जो इनका है वर्षन, उसमें तो मैं जाता रहा हूँ, बिगनिंग से जा रहा हूँ, हर तकरीबन हर साल ही गया हूँ अलग अलग प्लेस करने के लिए, और इस साल भी गया था जयरंगम में। हमारा एक प्ले है ओवी, वो किया था वहाँ पर फैसिलिटी थिएटर का, और अभी ये हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो आई हैव कम टू सी इट एंड आई होप इट कैचेस अप इन बॉम्बे ऑल्सो। और थिएटर लेवल लवर्स के लिए बड़ी कमाल की जगह है ये, और आई एम श्योर जयरंगम विल कैच अप वेरी सून। थिएटर प्ले की बात करें तो पहले बहुत ही मशहूर होता था, लोग बहुत ही जाते थे, बट अब बहुत कम हो गया। एक या दो प्ले जैसे देखा जाए तो पृथ्वी थिएटर हो गए, उसके जो फेस्टिवल रहते बहुत कम हो गए। डू यू थिंक इन फ्यूचर ज़्यादा होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और ऐसी जगह बननी चाहिए, और ये बड़े मुद्दत के बाद ये जगह ऐसी यहाँ खुली है सबर्ब्स में, वरना पिछले 25 साल से 30 साल से तो पृथ्वी थिएटर ही है सबर्ब्स में, जुहू में, जो जहाँ लोग जाते हैं करने भी और देखने भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी एक जगह बहुत अच्छी डेवलप होगी इन द कमिंग ईयर्स, मुझे बहुत उम्मीद है इससे। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कम होते जा रहा है, क्योंकि एज कम्पेयर टू थिएटर आर्टिस्ट वो कहते हैं कि ये बैटर्स होते हैं। सो आपका क्या मानना है? नहीं, मैं नहीं ये मानता। इसी ये थिएटर जो एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो कभी डाई नहीं हो सकती, कभी मर नहीं सकती, क्योंकि आप ये देखिए ना, इतने साल, 3000 साल पुरानी ये आर्ट फॉर्म है और ये चलती आ रही है। सिनेमा भी आया, फिर ब्लैक एंड वाइट आया, फिर कलर आया, फिर टीवी आया, फिर वेब आ गया, लेकिन आज लोग आए हैं ना प्ले देखने के लिए, तो ये जगह थोड़ी सी इनको प्रमोट करनी पड़ेगी, और अगर हो जाएगी अच्छी तरह से, विच होगी आई एम वेरी श्योर, बिकॉज थिएटर बहुत खूबसूरत है और इट शुड डू वेरी वेल इन द कमिंग ईयर्स, और लोग तो तरसते हैं अच्छी जगह पर जाने के लिए। टुडे पीपल नीड वैल्यू फॉर मनी, यू नो, तो ये नहीं वो देखते कि भाई प्ले है या फिल्म है। फिल्म में आप जाते हैं तो भी तो आपके 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं अगर आप जाते हैं बाहर, तो वाई नॉट अ प्ले, वाई नॉट अ प्ले। ओके सर, आगे सर 3 दिन में कोई एक ना एक दिन आपका भी प्ले देखने मिलेगा लोगों को? वेल इस बार तो नहीं, लेकिन हाँ इसकी अगली जो होगा फेस्टिवल होगा उसमें ज़रूर मेरे बहुत सारे प्लेज हैं जो मैं यहाँ करना चाहूँगा। थैंक यू सर। ओके।